श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने का मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने उनसे साथ ही चलने को आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया जा गया है, और भगवान स्वयं चले गए, लक्ष्मी जी से रहा न गया। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल फूल उगे थे, और सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी माता जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजते समय इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना एवं एक तांबे के कलश में 1 रुपये भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों को प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की
पूजा का विधि विधान से करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार यमदेव ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या दूसरों के प्राण लेते समय उनको दया नहीं आती, जिसके उत्तर में यमदूतों ने कहा, बिल्कुल नहीं। यमदेव ने प्रेम पूर्वक मित्रवत होकर पुनः पूछा कि कभी कोई घटना या वाक्य जब उन्हें दया आई हो। ऐसे में यमदूतों ने कहा कि यम देवता एक बार राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहित पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उनके प्राण ना ले, क्योंकि वह तो अल्पायु था, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे। लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। इस घटना को सुन यमदेव ने पूरा वृत्तांत पूछा। किले में नहीं जा सकती थी वायु। यमदेव यमदूत ने बताया कि हंस नाम का एक प्रतापी राजा था। वह शिकार खेलते खेलते यमराज के राज्य में पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का राजा हेमराज ने भव्य आतिथ्य किया। उसी दिन हेमराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके जन्म को लेकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह इस बालक के विवाह के चौथे दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात से हेमराज काफी दुखी हुआ। तब महाराज हंस ने सांत्वना देते हुए उसके बेटे की रक्षा की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और हेमराज के बेटे के लिए यमुना किनारे एक विशेष किले का निर्माण करवाया, जहां वायु भी उसकी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। यमदूत ने आगे बताया, इस प्रकार राजकुमार तरुण बड़े हुए। उन्होंने कभी कन्या नहीं देखी थी, लेकिन देव योग से उन्हें एक राजकुमारी दिखी और दोनों ने चुपके से गंधर्व विवाह कर लिया। इसकी सूचना राजा हंस और हेमराज को मिलते ही दोनों ने नियति को टालने का प्रयास शुरू कर दिया, और लेकिन वे यमदूतों को नहीं रोक पाए और हमने राजकुमार तरुण के प्राण हर लिए। यमदूत ने यमराज से कहा, जहां कुछ समय पहले तक उत्सव का वातावरण था, वहां चीख पुकार मच गई। नवविवाहित राजकुमारी तो ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे यमराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर चला आया। ऐसे शुरू ही यमराज की पूजा। यमदेव भी यमदूत की बात सुनकर विचलित हो गए और इस प्रकार दोनों के बीच काफी बातें हुई और अकाल मृत्यु के दोष मुक्त होने को लेकर दूत के अनुरोध पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीप माला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस की रात यमराज की पूजा का विधि विधान शुरू हो गया। बोलिए यमराज भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम शिशंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।